कहो प्रत्यारी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई शुभ समाचार देने के लिए आए हो। अवश्य बोलो क्या। इस समय पर अपने अवध के प्रथम देवड़ी पर गादी तले महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। क्या कहा, महामुनि विश्वामित्र जी? अवश्य। मेरी अयोध्या आए हैं, क्या तुमने उनका स्वयं दर्शन किया? हाँ। मैंने स्वयं दर्शन किया। बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि संत का पावन पुनीत दर्शन बिना परमात्मा की कृपा के नहीं होता, और तुम्हें आज महासंत का दर्शन हुआ। क्योंकि संत कोई साधारण नहीं हुआ करते हैं, संत और परमात्मा एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। एक बार विद्वानों ने पूछा, महाराज परमात्मा बड़ा है कि महात्मा बड़ा है? एक बार विद्वानों में निर्णय लिया गया कि परमात्मा बड़ा कि महात्मा बड़ा, तो बोले इससे अच्छा तो ये है चल करके स्वयं परमात्मा से पूछ लो। और जब वो परमात्मा के पास पहुंचे, पूछा, महाराज आप बड़े हैं या महात्मा बड़े हैं? परमात्मा ने कहा, मैं निर्णय तो नहीं दे सकता, हाँ एक संकेत दे रहा हूं कि मोर वचन चाहे हो जाए फीका, मोर वचन चाहे हो जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर के लीका। हमारा वचन तो मिथ्या हो सकता है, लेकिन संत का दिया हुआ वचन काटने की क्षमता हम भी नहीं रखते हैं। ऐसे संत का आगमन तो चलो, क्योंकि विद्वानों ने बताया है कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, माया और अभिमान का प्रत्याग करके जाए, लेकर के आ जाए, बोले आस्था प्रेम और विश्वास। और जब लेकर के जाता है कोई व्यक्ति, तो ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान, एक कदम बढ़ाने पर करोड़ों यज्ञ का लाभ होता है। ऐसा पावन पुनीत अवसर आज मुझे प्राप्त हो रहा है, चलो ब्राह्मणों की समाज को एकत्रित करो, चल करके उनका पावन पुनीत दर्शन स्वागत। मुनिया गोमनो सोना, जब राजा मिलन गजौ पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मैंने पूर्व में ही कहा था कि जिसने संत का दर्शन किया उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं होता है, क्योंकि संत अगर गांव में आ जाए तो ये बड़ा भाग्य है, और संत अगर आपके घर में पधार जाए, आपको स्वागत का सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, ये सौभाग्य होता है। आज हमारे घर में संत पधारे, ये कोई साधारण संत नहीं है, इन्होंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, लेकिन तपस्या के प्रभाव से ये ब्रह्मर्षि बने। आज ब्राह्मण देवता मेरे घर में पधारे, मेरे कुछ श्रद्धा सुमन आपके चरणों में अर्पण है, स्वीकार करें। कि सुखदाता सुख के जग मंगल कारी करता, सुखदाता आपने सदैव संसार को सुख ही सुख दिया है। जब इन्होंने देखा गाय से दूध की पूर्ति नहीं हो रही, तो इन्होंने भैंस भेड़ बकरी उटनी इत्यादि जानवरों का उत्पादन किया। जब इन्होंने देखा गेहूं से पूर्ति नहीं हो रही, तो जौ बाजरा मक्का इत्यादि जिंसों का उत्पादन किया। और सबसे बड़ी बात, पहले कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता था, पूर्ण आहुति में नरबलि दी जाती थी, जब इन्होंने देखा बड़े दुखी हो गए। इन्होंने उस प्रथा को बंद किया, नारियल को बनाया, और नारियल के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नारियल के माध्यम से पूर्ण आहुति प्रारंभ कर दी। तब से लेकर आज तक नारियल के द्वारा ही पूर्ण आहुति होती है, ये इन्हीं की देन है। तो सुखदाता सुख के संसार जग मंगल कारी करता, ये मुनि जी पधारे हैं।
करूं पदो आगे आगे हमारे हैं करूं पदो सभी जैसे हमारे उत्तम जी नाम ही उत्तम, जब नाम उत्तम है तो सब कुछ उत्तम ही उत्तम है, व्यवस्था उत्तम, सब कुछ उत्तम। एक बार पूछा महाराज संत होता क्या है, संत की पहचान बताओ। लोगों ने कहा अरे साधारण है। बोले क्या? अरे बोले गाड़ी रखाए हो, जटा हो, झलक लगा हो, मालाएं पड़ी हो, वस्त्र पहने हो, संत। बोले और कोई पहचान नहीं। बोले है। बोले क्या? बताया कि पर उपकार वचन मन काया, मन से वचन से कर्म से जो सदैव परहित करे, जो परहित करे साधु स्वभाव सहज घगराया, चाहे वो विरक्त हो चाहे वो ग्रस्त हो, अगर वो परहित में अपना जीवन व्यतीत करता है तो वो संत कहलाता है। ऐसे संत विश्वास के मंदिर में श्रद्धा से सजाया है तुमने को, विश्वास के मंदिर में श्रद्धा से बंदे सदैव काल कल्याण हो, राजन चिरंजीव हो। राज सेवा के ये शुभ अवसर मेरे बेटों को भी प्राप्त हो, इसलिए जाओ मैलों से मेरे पुत्रों को उपस्थित करो। पुन चरणों में ले सुत चारी, दर्शन कराने जा रहे हैं राम, जिनके कारण आज अयोध्या को संसार ने जाना। हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र का नाम अमर हो गया। अगर ये ना होते तो शायद कोई भी महाराज हरिश्चंद्र को ना जानता, अयोध्या को ना जानता। ऐसे महर्षि ब्रह्मर्षि श्री विश्वामित्र जी पधारे हैं। चलो इनके चरणों का दर्शन करो, उनके चरणों की रज लेकर के माथे का चंदन बना करके अपने आप को सौभाग्यशाली बनाओ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। एक संत ने किसी ग्रस्त से कहा कि भजन करो।
ग्रस्त ने कहा महाराज समय नहीं है। क्यों नहीं है? कहा महाराज गृहस्थी के जंजाल इतने विचित्र हैं, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, तमाम विश्लेषण इसमें लगे हुए हैं, नाना प्रकार के जंजाल, वो भी साधारण नहीं, बहुत दुर्गम बड़े कठिन और जैसे शैल विशाल पर्वत की तरह। और इस गृहस्थ के जंजाल में रह करके मुझे भजन करने का समय नहीं मिलता है। संत ने उस व्यक्ति की इच्छा को जानना चाहा। संत ने पूछा क्या तुम्हारी भजन करने की इच्छा होती है? कहा बिल्कुल संत जी, भजन करने की अवश्य इच्छा होती है, परंतु परिस्थिति के वशीभूत होने के कारण हम भजन नहीं कर पाते हैं। संत को दया आ गई, दयालु स्वभाव होता है संतों का। कहा ठीक है, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो एक हम महामंत्र तुम्हें दे रहे हैं, जो थोड़े से ही समय में बहुत अत्यधिक प्रभावशाली होगा। कहा बताइए महाराज। बोले आठ पहर में से एक घड़ी का समय निकालो। एक घड़ी? बोले नहीं महाराज, ये बहुत ज्यादा समय इतना नहीं है। तो कहा आधी घड़ी? बोले इतना भी नहीं है। तो फिर कहा संत ने कि आदेहू महु पुनियाद। ग्रस्त ने कहा ठीक है महाराज, इतना समय हम निकाल सकते हैं, लेकिन प्रभाव क्या होगा, इसका फल क्या मिलेगा? तो कहा अगर इतना समय निकाल लोगे तो बताया कि तुलसी संगत साधु की। बोले हरई कोटि अपराध, कोटों अपराध का हरण करने की क्षमता प्रभाव उस थोड़ी से समय में है। आदेहू महु पुनियाद, ये संत की महिमा, ये संत का प्रभाव है। तो हम तो ये कहेंगे कि संत का संग हर एक प्राणी को करना चाहिए। आज ये सौभाग्य हम अयोध्या वासियों को प्राप्त हुआ। प्रभु धन हो गए आपकी चरण धूल को पा करके, मेरे श्रद्धा सुमन आपके श्री चरणों में प्रस्तुत है, इन्हें स्वीकार करें। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्षों में लगे हुए फल वो स्वयं नहीं खाते हैं, दूसरों के लिए। और नदी न सर्जनी सरिता का प्रवाहित जल भी स्वयं के लिए नहीं होता है, दूसरों की प्यास बुझाने के लिए वो बहता है। ठीक इसी तरह परमारथ के कारण साधु निधारा शरीर होता है। हे परमार्थी संत, मैं आपको कोट कोट प्रणाम करता हूं। प्रभु और मन में है बसा के तेरी मूर्ति, इस हृदय के पटल पर मन में है बसा के मूर्ति, उतारू में भगवान तेरी आरती। आपकी आरती को उतारना चाहते हैं, इस मूर्ति को तुम मन में और बसा के तेरी मूर्ति, उतारू में भगवान तेरी आरती। मन में
के मन में और बसा के तेरी मूर्ति आपकी मूर्ति को हृदय में बसा कर उतारू में भगवान तेरी आरती करुणा करो और कष्ट हरो और ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नैया मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट मिटा दो अभी आप लोग राम जी की भूमिका में देख रहे हैं हमारे आदरणीय पंडित श्री विवेक मिश्रा जी जसुआपुर हाल मुकाम उरई इनके सुंदर अभिनय पर 51 पद्म मुद्रा हमारे आकाश सिंह तोमर और मुरली वाले प्रदान कर रहे हैं भगवान इनका बड़ा भंडार रखे बहुत बहुत धन्यवाद अवधपुरी ममपुरी सुहावन ऐसा कहा गया लेकिन आज हम ये कह सकते हैं परम रम्य उत्तम ये धरनी आपके आने से ये जगह ये स्थान ये अवधपुरी उत्तम हो गई तो करुणा करो कष्ट हरो और चिंता मिटा दो आय शरण और पूज चरण ये भाग्य जगा दो से घिरा व्यक्ति क्यों ना हो संत की और गुरु की शरण में जाता है निश्चित ही दुख का और अंधकार का नाश हो जाता है और सच्चे हृदय से तेरे ही सरल जो आए और दुख सारे दूर होते सुख वही पाए और प्रभु राम के सुंदर अभिनय पर हमारे गांव के ही बहुत अच्छे मिस्त्री हैं लाल सिंह भैया यादव जी लाल सिंह भैया यादव जी और रविंद्र राजा आप हमारे गांव के बहुत अच्छे श्रोताओं में हैं और आपको बहुत बाहर हुए उन्होंने आपको 51 रुपये दिए मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद हे प्रभु और स्वीकार कर लो और ये श्रद्धा के सुमन मैं आपको प्रेषित करता हूं चरणों में झुकता ये तन मन वचन मनसा वाचा कर्मणा से मैं आपका सेवक हूं और आपको नमन करता हूं और हम सब बने तेरे सरदार मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू में भगवान तेरी आरती जय हो गे मुनि वर प्रभु पर तुम्हारी और महिमा है जागे से और न्यारी तुम्हारी संतों का विशेष महत्व जीवन में कभी सत्संग जो किया ही नहीं संतों की कृपा और संग अगर नहीं मिला अरे जिसने किया ना सत्संग हो और जिसने किया ना सत्संग जीवन में कुछ किया ही नहीं जिसने किया ना सत्संग जीवन में कुछ हो गए प्रभु पर
जय हो तुम्हारी और जग में है मेहमान निहारी तुम्हारी दरअसल तो प्रभु का किया ही नहीं जिसने किया ना सत्संग जिसने किया ना सत्संग जीवन आपके अमल विमल पाद पंकजों में और कोटान को प्रणाम स्वीकार हमारे प्रभु राम जी के प्रसन्न है। प्राणी को अपने जीवन में संत का दर्शन बड़ी मुश्किल से और बड़ी सौभाग्य से प्राप्त हुआ करता है। माता पिता बच्चों में जब ऐसे संस्कार डालते हैं जिससे बच्चे सत्कर्म करने लगे तब कहीं ना कहीं संत का दर्शन प्राप्त हुआ करता है। आज उन्हीं संस्कारों की वजह से हम चारों भाइयों का संत का दर्शन प्राप्त हुआ। विचार करता हूं कि संत का दर्शन कैसे प्राप्त होता है तो बताया गया बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि कृपा के संत दर्शन सुलभ नहीं। संत दर्शन के लिए हरि कृपा होना जरूरी है, लेकिन हरि कृपा कब होती है? जब माता पिता गुरु स्वामी इन चारों का आशीर्वाद साथ में होता है तो हरि कृपा होती है, और जब हरि कृपा होती है तो संत का दर्शन प्राप्त होता है। दूसरी ओर बताया गया पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता, जब हमारे सत्कर्म हमारे पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब कहीं ना कहीं संत का दर्शन प्राप्त होता है। संत के दर्शन से होता क्या है? जो व्यक्ति अपने जीवन में कई परेशानियों को लेकर के घूमता है उन परेशानियों को समाप्त करने के लिए प्रत्येक प्राणी को संत सानिध्य में जाना चाहिए, संत सेवा करना चाहिए, संत का दर्शन करना चाहिए। एक बार विद्वानों की समाज में चर्चा का विषय बना कि संतों का चरित्र और समाज कैसा हुआ करता है तो बताया गया साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु निरस विशद गुणमय फल जासू। संतों का चरित्र कपास की तरह पवित्र और पावन हुआ करता, अर्थात रुई की तरह। फल क्या प्राप्त होता है? नीरस विशदमय गुणकारी हुआ करता है। संतों के हृदय में ज्ञान सदैव रहता है, वो बड़े दयालु हुआ करते हैं। अगर किसी शिष्य पर कोई अपराध हो जाता है तो वो तनिक क्षण में क्षमा कर देते हैं। संतों का समाज कैसा हुआ करता है तो बता दिया गया मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू। प्रयागराज दो प्रकार के बताए गए, एक तो चल दूसरा अचल। एक तो एक ही जगह पर स्थापित है जहां हजारों लोग जाते हैं अपने पापों की मुक्ति के लिए, लेकिन जहां पर संतों का समागम हो जाए, जहां संत गण एकत्रित हो जाए, वहां पर चलता फिरता हुआ प्रयागराज स्थापित हो जाता है। हमारी अयोध्या धाम साक्षात प्रयागराज है क्योंकि पिताश्री की दरबार में नित प्रतिदिन कई संतों का आगमन हुआ करता है। हेलो, और लक्ष्मण जी की भूमिका मैं देख रहा हूं। हमारे में जाने से परेशानियां कैसे खत्म होती हैं? क्योंकि किसी विद्वान ने बता दिया संत सानिध्य में जाने से परेशानियां इसलिए समाप्त हो जाती हैं क्योंकि संत परमात्मा का स्वरूप हुआ करता है। बताया गया चंदन तरु हरि, अर्थात चंदन का वृक्ष हरि परमात्मा है, और संत समीरा चंदन के वृक्ष की सुगंध संत है। जिस प्रकार से चंदन और सुगंध एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं, उसी प्रकार से संत और परमात्मा एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। संत के बिना परमात्मा सुना है, परमात्मा के बिना संत सुना है, या ये कह दे संत ही परमात्मा है और परमात्मा ही संत है। लेकिन संत दर्शन से लाभ क्या प्राप्त होता है तो बताया गया शशि तापम गंगा पापम चा दैन्यम कल्प तरु स्थिता तापम पापम दैन्यम जगनंति संतो मास्या। चंद्रमा ताप को हरण कर शीतलता प्रदान करता है, गंगा पाप को हरण कर पुण्य प्रदान करती है, कल्प वृक्ष दीनता को हरण कर वैभव प्रदान करता है, और संत के पावन पुनीत दर्शन से ये तीनों लाभ एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी दृष्टि इनके समीप में
जाती है, तो क्या कोई साधारण कोटि के संत है? ना, ये असाधारण कोटि के संत हैं। इनको एक उपाधि दी गई ब्रह्म ऋषि की। इनका क्षत्रिय कुल में भी जन्म होकर के भी ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त करना इनकी महान उपलब्धता है, क्योंकि इस संसार में ब्राह्मण दो प्रकार के बताए गए, एक तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण कहलाना, दूसरा कार्य के द्वारा ब्राह्मण पद ग्रहण करना, अर्थात ब्रह्म जानेति सा ब्राह्मणा। आज ऐसे महान संत का आगमन हमारी अयोध्या में, हम चारों भाइयों का जीवन धन हो गया, अयोध्या की भूमि का कड़कड़ पवित्र हो गया, क्योंकि इनको सृष्टि का दूसरा रचयिता कहा जाता है। ये वो व्यक्तित्व है दिवस आज का धन हुआ कि जो चरणों की धूल मिली, भमर डोलती हुई नैया को वायु जो अनुकूल मिली। हे करुणा सिंधु, हे करुणा सागर, करुणा कर करुणा दिखला दो, हु भटका हुआ राहु में, हे मुनिवर सतपथ बतला दो। सरल तुम्हारी आया हूँ, शीश आशीष का हाथ धरो, दुर्बलताएं दूर हूँ हमसे, जीवन मम कृथात करो, जीवन मम कृथात करो। सुंदर सा आशीर्वाद है, हो निडर अर्थे सदा, समर न जीते कोई, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्ति लतावर होई, यशस्वी भव कीर्तिमान भव। तब मनोहर सो